दादी माँ की जादुई सिलाई मशीन। बहुत समय पहले की बात है, मुंबई शहर में एक कृतिका नाम की लड़की अपनी माँ सेजल और अपने पिता हैरी के साथ रहा करती थी। कृतिका के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता शहर के सबसे बड़े वकील थे और उसकी माँ एक ऑर्गेनाइजेशन की मालकिन थी। कृतिका को अपने पैसों और जमीन जायदाद पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। कृतिका सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा करती थी। क्योंकि कृतिका बहुत अमीर और सुंदर थी, इसलिए सभी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थी। कृतिका दिखने में बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। कृतिका की माँ सेजल ने अपनी बेटी पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टियां करती, क्लब जाती और अपना जीवन बहुत एंजॉय करती। सेजल को अपने घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं था। ऐशो आराम से जीती थी और कमाए हुए पैसे शान और शौकत में उड़ाया करती थी। एक बार कृतिका अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए जाती है। कृतिका के पिता कृतिका को मेला घुमाने के लिए ले जाते हैं। मेले में पहुंचकर कृतिका मेले की दुनिया में खो जाती है और वह अपने माता पिता से अलग हो जाती है। क्योंकि कृतिका भी छोटी थी, इसलिए वो अपने माता पिता को ढूंढ नहीं पाती और वह चलते चलते एक दौलतपुर नाम के गांव में पहुंच जाती है। गांव पहुंचकर उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है। दादी माँ, मैं यहाँ पर पास में ही मेला घूमने आई थी और मेला का दृश्य देखने के चक्कर में मैं अपने माता पिता से अलग हो गई हूँ। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो? मैं मुंबई शहर में रहती हूँ, परंतु मेरे पिता मुझे गांव में मेला दिखाने और घुमाने के लिए लेकर आए थे। मुझे लगता है वो मुझे छोड़कर वापस चले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भला बेटी? कोई बाप माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती हैं? पता नहीं मुझे, पर अब मैं उन्हें ढूंढना नहीं चाहती हूँ। दादी माँ, आप घर में अकेले रहती हैं क्या? हाँ बेटी, मैं घर में बिल्कुल अकेले ही रहती हूँ। मेरा एक सूरज नाम का लड़का था, जिसे मैंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर पढ़ाया लिखाया था। पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है और विदेश में रहने लगा है और मुझे यहीं छोड़कर चला गया और मुझे एक भी दिन देखने तक नहीं आया। दादी माँ, आपका बेटा कितना बुरा है और आप आज भी अपनी बेटी की वापस आने की आस लगाकर बैठी हैं। दादी माँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? बेटी, मुझे तो तुम एक बहुत अच्छे घर से लगती हो। क्या तुम मुझ गरीब के साथ इस कुटिया में रह सकती हो? दादी माँ, मैं हमेशा से ही ऐसा जीवन जीना चाहती थी। इसके बाद कृतिका बूढ़ी दादी के साथ रहने लगती है। कृतिका दादी के साथ मिलकर गांव में जंगल से फल तोड़कर लाया करती थी और दादी माँ के साथ बाजार में जाकर बेचा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कृतिका को दादी माँ के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा और वो अपना पुराना जीवन भूल चुकी थी। कृतिका को दादी के साथ जाकर फल तोड़ने में बहुत मजा आता था। दादी माँ, ये फल कितने मीठे हैं, आप भी खाकर देखो। बेटा, बचपन में मैंने बहुत फल खाए हैं, अब तो मेरे दांत ही नहीं रहे जो मैं तुम्हारे तरह फल खाकर इनके मजे ले सकूं। आप खा नहीं सकती तो क्या हुआ, आप इसका जूस बनाकर तो पी ही सकती है ना? ये कहते हुए कृतिका रुक जाती है और उसे याद आता है कि वो अब गांव में रहने लगी है, जहां पर जूस बनाने के लिए कोई मशीन नहीं। एक दिन अचानक से दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है। दादी और कृतिका मिलकर उतने ही पैसे कमाते थे जितने एक दिन में खर्च कर लिया करते थे। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। कुछ दिन तक कृतिका अकेली ही फल तोड़कर बेचने जाती है, परंतु दादी की देखभाल करने के लिए उसे घर पर ही रहना पड़ता है। तभी कृतिका के मन में सिलाई करने का आइडिया आता है और कृतिका अपने कमाए हुए पैसों से एक सिलाई मशीन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही घंटों में कृतिका के पास सिलाई मशीन पहुंच जाती है। कृतिका ने अपने बचपन में अपने घर की एक नौकरानी से सिलाई सीख रखी थी। कृतिका को छोटा मोटा कपड़ा सिलना आता था। कृतिका अब घर पर रहकर सिलाई करने लगती है। धीरे धीरे करके कृतिका का हाथ सिलाई मशीन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है और वो अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लगी थी। धीरे धीरे कृतिका के पास कस्टमर आने लगे थे और अब उसकी अच्छे खासे कमाई होने लगती है।
धीरे धीरे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और उन पैसों से अपनी दादी माँ का इलाज करवाती है। अब दोनों दादी पोती हंसी खुशी से रहने लगती है और अब दादी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कृतिका दादी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कृतिका की दादी की उम्र हो गई थी, इसलिए अब उन्हें इस दुनिया से जाना था। जाते वक्त कृतिका की दादी कृतिका से कहती है, बेटी अब मुझे दुनिया से जाना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहती हूँ। मेरे पास एक जादुई सिलाई मशीन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सिलाई करना और गरीब लोगों की सहायता करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई सिलाई मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, ये सिलाई मशीन जादुई है। सिलाई मशीन से तुम जो भी कहोगी वो तुम्हें दे देगी। इससे तुम अच्छे अच्छे डिजाइनदार लहंगे, तरह तरह की ड्रेसेस भी मांग सकती हो। और इस जादुई सिलाई मशीन की खास बात ये है कि सिलाई मशीन तुम्हें भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट भोजन भी देगी। दादी माँ, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद दादी माँ भगवान के पास चली जाती है और उसी दिन से कृतिका उस सिलाई मशीन से कहकर अपने लिए खाना मांग लिया करती थी। कृतिका एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी, इसलिए वो सिलाई मशीन का कोई गलत उपयोग नहीं करती, बल्कि वो उनसे गरीब लोगों की सहायता करती थी। कृतिका सिलाई मशीन पर बैठकर अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लगती है और गरीबों में बांट दिया करती है। कृतिका की जिंदगी का अब लोगों की सेवा करना और उनकी सहायता करना ही लक्ष्य बन जाता है और वो सभी लोगों के लिए भगवान का रूप हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। रश्मि बहुत खूबसूरत थी, वो अपनी दादी के पास रहती थी। पांचवी स्कूल के बाद स्कूल में कोई दूसरा स्कूल नहीं था, इसलिए दादी ने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी। उसकी शादी शहर में तय हो गई थी। वो बहुत खुश थी। उसके पति सुमित ने उसकी खूबसूरती देखकर ही शादी के लिए हाँ कहा था। शादी होते ही वो शहर आ गई। ससुराल में आते ही, मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। यह बात तो एकदम सही है। रश्मि अपनी तारीफ सुनकर फूली न समाई। शादी के सारे रीति रिवाज निभाते निभाते रश्मि थक गई थी। रात को सुमित जब उसके कमरे में आया तो, रश्मि हमारी शादी इतने दिनों से तय थी, मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियां लिखी पर तुमने एक भी जवाब नहीं दिया। देखिए मुझे इतना अच्छा लिखना नहीं आता, इसलिए। कितनी पढ़ाई की है तुमने? मैंने पांचवी तक पढ़ाई की थी, उसके बाद स्कूल दूर होने की वजह से दादी ने स्कूल छुड़वा दिया था। यह क्या मजाक है, मैं तो सोचा था तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। रश्मि सुमित का गुस्सा देखकर बोलती है, मुझे तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर दादी मुझे शहर किसके पास पढ़ने के लिए भेजती। सुमित रश्मि को अकेले ही कमरे में छोड़कर वहां से चला गया। रश्मि रोने लगी, रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह, बहू सुमित कहाँ है? माँ जी वो रात को कमरे में आए थे और नाराज होकर कहीं चले गए। क्यों, पहले ही दिन नाराज हो गया? हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पांचवी कक्षा तक ही पढ़ी हूँ तो मुझसे नाराज होकर चले गए। इतना बड़ा झूठ। माँ जी हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं था कि मैं कितनी पढ़ी हूँ, वरना मैं तो बता देती। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, गांव में स्कूल रहता तभी तो पढ़ती। मैंने तो सोचा था घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी तो मैं सबके सामने सर ऊंचा करके जी पाऊंगी। इतना कहकर उसकी सास वहां से चली गई। हॉल में पहुंचते ही, चाय दे दो माँ। अभी लाई बेटा, तुम रात भर कहाँ थे? माँ अगले हफ्ते मेरे ऑफिस में सारे स्टाफ की पार्टी है, अब मैं यह अनपढ़ बीबी को लेकर वहाँ कैसे जाऊँगा? बेटा मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें गलती हमारी भी है, तुम भी तो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गए।
कुछ पूछताछ करने का मौका ही नहीं दिया। माँ, मैं जिंदगी भर एक अनपढ़ बीवी का बोझ नहीं उठा सकता, उसको उसके मायके भेज दो। रश्मि वहीं खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। माँ जी, मुझे मेरे मायके मत भेजिए, मेरी दादी तो जीते जी मर जाएगी। मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, मेरी दादी ने मुझे बड़ी तकलीफों से पाला है। तो हम क्या करें, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। अरे सुमित, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो शादी हुई है, और वो मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं ये सब नहीं जानता। सुमित तैयार होकर घर से बाहर चला गया और यहाँ रश्मि रो रही थी। उसने कमरे में जाकर जब अपना सामान निकाला तो उसमें खूबसूरत सैंडल पड़ी थी। वो सैंडल को अपने हाथ में उठाकर देखने लगी, तभी सैंडल से आवाज आने लगी, रश्मि तुम रोना बंद करो, हिम्मत से काम लो। कौन हो तुम? मैं जादुई सैंडल हूँ। सैंडल की ये बात सुनकर रश्मि अपनी दादी की बात सोचने लगती है। हाँ, दादी ने भी मुझे सैंडल देते समय यही कहा था कि ये सैंडल मुझे संभाल कर रखना है, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। इतना सोचने के बाद रश्मि सैंडल से बोलती है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि लोग तो मुझे मेरे मायके भेज रहे हैं। तुम इनसे कह दो कि तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करोगी। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, वैसे भी मैं अभी 15 साल की ही हूँ। रश्मि ने वो सैंडल पहन ली और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने सासू माँ के पास पहुँच गई। माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करूँगी, आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना। इस साल मैं 10वीं की परीक्षा दे दूंगी और 2 साल बाद 12वीं की। ठीक है बहू, मैं कुछ सोचती हूँ। शाम को जब सुमित घर पर आया तो रश्मि चाय और पकोड़े बना रही थी। घर में आते ही, माँ आज तो पकोड़े की खुशबू बाहर तक जा रही है। इतना कहते कहते रसोई में चला गया। रसोई में रश्मि को देखकर सुमित वापस आ गया। रश्मि चुपचाप पकोड़े, चटनी और चाय लेकर आ गई। सुमित ने पकोड़े की प्लेट उठाकर फेंक दी। रश्मि ने झटपट सारे पकोड़े उठा लिए और रसोई में चली गई। तभी सुमित की माँ आ गई। सुमित, उस बिन माँ बाप की बच्ची ने कितने प्यार से तेरे लिए पकोड़े बनाए हैं, और तूने इस पकोड़ों को उठाकर फेंक दिया। माँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? पहले चाय पी ले, फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। समाधान? हाँ बहू, चाय ले आओ बेटा। रश्मि किचन में खड़ी थर थर काँप रही थी। जैसे ही माँ जी ने आवाज दी, वो चाय लेकर आ गई। सुमित ने रश्मि की तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। माफ करना रश्मि, मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। चलो जाओ, मेरे लिए बनाए हुए पकोड़े लेकर आओ, मैं तुम्हारे हाथों के बने हुए पकोड़े खाऊंगा। ये सुनकर रश्मि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फटाफट उसने पकोड़े की प्लेट लाकर रख दी। अपनी भी चाय यही ले आओ, यही बैठकर पी लेना। मैं चाय नहीं पीती, सिर्फ दूध पीती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो सचमुच बच्ची हो। अच्छा, मेरे पास बैठकर पकोड़े तो खा लो। रश्मि अपनी भी प्लेट में पकोड़े डालकर ले आई। सबने साथ में बैठकर पकोड़े खाए। माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। सुमित, रश्मि आगे पढ़ना चाहती है, इसका एडमिशन करवा देते हैं। सुमित आश्चर्य से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। माँ, यह बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? रश्मि, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, कल ही मैं तुम्हारा एडमिशन कराने चलूंगा। रश्मि बहुत खुश हुई और खटखट सैंडल खटखटाते हुए बर्तन उठाकर रसोई में बर्तन रखे और अपने कमरे में चली गई। उसने सैंडल उतार दिया और उठाकर हाथों में लेकर सैंडल से बोली, ओ वाओ सैंडल, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। रश्मि, तुम जहाँ भी जाना मुझे पहनकर ही जाना, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। रश्मि अपने कमरे से बहार आई और उसने अपने सास से कहा, माँ जी आज मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है बहू, तुम ही बनाओ। रश्मि के हाथ में तो मानो जैसे जादू था। उसने इतना अच्छा टेस्टी खाना बनाया कि सब उंगलियां चाटने लगे। बहू, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? माँ जी, मुझे खाना बनाने का शौक बचपन से ही है। रश्मि समझ गई थी कि ये सब जादुई सैंडल का ही जादू है, वरना उसे खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता था। दूसरे दिन, रश्मि यह लो ड्रेस, यह पहनकर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराने ले जा रहा हूँ।
रश्मि ने ड्रेस पहनकर सैंडल पहनी और कमरे से बाहर आ गई। वाह, तुम तो बिल्कुल कक्षा दसवीं की विद्यार्थी लग रही हो, चलो अब। रश्मि स्कूल गई तो थोड़ी सी आनाकानी के बाद प्रिंसिपल ने कुछ जरूरी कागजात देखकर उसको एडमिशन दे दिया। सुमित हमेशा अलग कमरे में सोता था। रश्मि हमेशा परेशान रहती थी, पर वो दिन रात मेहनत करती, दिन भर अपनी सास के साथ सारा काम भी करती, स्कूल भी जाती और घर पर आकर पढ़ाई भी करती थी। लेकिन जादुई सैंडल की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं थकती थी। 3 साल बाद जब उसकी 12वीं का रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में प्रथम आई थी। माँ जी देखो, मैंने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तू तो वाकई बहुत होशियार है बेटा, शाबाश। सुमित जब शाम को वापस घर आता है, देखिए स्कूल में पूरे 12वीं में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुझे पुरस्कार भी मिला है। उस दिन सुमित बहुत खुश हुआ। रश्मि, आज से मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। ये सुनकर रश्मि के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और वो अपने मन में सोचती है, अगर आज मेरी जादुई सैंडल नहीं होती तो मैं उसी गांव में पड़ी होती। और इस तरह रश्मि की जिंदगी खुशहाल बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।